हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल श्रेया ब्लॉग्स और मैं हूँ श्रेया आज का वीडियो है मेकअप बट देर इज अ ट्विस्ट द ट्विस्ट इज आई एम नॉट गोइंग टू डू अ वेरी लॉन्ग टाइम मेकअप इट्स जस्ट अ स्मॉल मेकअप वीडियो बाई यूजिंग जस्ट थ्री मेकअप प्रोडक्ट्स येस यू हैवी ट्राइड यहाँ पर मैं मेकअप करने वाली हूँ सिर्फ थ्री प्रोडक्ट्स को यूज करके बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ जो कि बहुत ही अफोर्डेबल भी है एंड वेरी इजी टू कैरी आल्सो सो यस बिना लेट किए मैं आपको बताती हूँ मैंने यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं अपने मेकअप के लिए द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव यूज इज़ लैक में सी सी क्रीम सेकेंड वन इज़ लैक मे आइकॉनिक काजल एंड द थर्ड वन इज़ लैक मे लिपस्टिक

परफेक्टली फॉर ऑल थ्री ऑफ देम सबसे पहले मैंने अपने स्किन में ऑलरेडी एलोवेरा जेल अप्लाई कर रखा था और अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक में नाइन टू फाइव सी सी क्रीम आप चाहें तो कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं बट सी सी क्रीम बहुत ही परफेक्टली स्किन के साथ जाता है तो मैं यहाँ पे नाइन टू फाइव सी सी क्रीम यूज़ कर रही हूँ और फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट करके अपने फेस पर ऑल ओवर अप्लाई कर ले रही हूँ आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीम को मिक्स कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे अपने फिंगर्स की हेल्प से सारे क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लूँगी अपनी स्किन पे जैसा कि आप देख सकते हैं क्रीम बिल्कुल ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे काजल और काजल के लिए मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ लाइक मे नाइन टू फाइव आइकॉनिक काजल आप चाहो तो कोई भी काजल यूज़ कर सकते हो मैं आइकॉनिक इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये बहुत लंबे टाइम तक टिकता है स्मज नहीं होता है एंड विद द हेल्प ऑफ सेम काजल मैं यहाँ पे आईलाइन ड्रॉ कर रही हूँ इसे ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है बहुत सिंपल है तो आप बहुत ही आराम से इसे ड्रॉ कर सकते हैं और जैसे मैंने राइट ड्रॉ किया था सेम वे मैं यहाँ पे लेफ़्ट आई पे भी आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी मैं वापस से उसी काजल की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने काजल को थ्री डिफरेंट फेज में यूज़ किया है और काजल का काम खत्म होते ही मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी एक बार जैसे लिपस्टिक अच्छे से अप्लाई हो जाए विद द हेल्प ऑफ सेम लिपस्टिक मैं यहाँ पे लिपस्टिक को ब्लशर की तरह यूज़ कर रही हूँ ओवर माई चीक्स नोज़ एंड ऑल्सो चिन ये हाईलाइटिंग एरिया है तो इसको आप ब्लश कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा दिखता है और बहुत नेचुरल दिखता है जैसा कि आप देख सकते हैं सो या यहाँ पे मैंने भी लिपस्टिक को टू वेज़ में यूज़ किया काजल को मैंने थ्री वे में यूज़ किया था और हमारा लुक बिल्कुल रेडी है ये थी मेरी थ्री प्रोडक्ट्स मेकअप लुक आपको कैसा लगा है मुझे प्लीज जरूर बताना क्योंकि मुझे ये लुक बड़ा अच्छा लगा और ये वीडियो को बनाने में भी मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि इसमें मुझे मेकअप करना था एंड यस uh, yes, तो कुछ ऐसा था मेरा लुक जस्ट बाय यूजिंग दिस थ्री प्रोडक्ट्स इट्स मैजिक ना तो अगर आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल है या फिर हाउस वाइफ है या फिर वर्किंग लेडी है इट्स परफेक्ट फॉर यू एंड अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगी है और इफ़ यू फाइंड वेरी रिलेटेबल देन डू मैंशन मी इन अ कमेंट और जस्ट लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉर गेट टू हिट दी बेल लाइक इट एंड इफ यू वॉन्ट टू सजेस्ट मी एनी थिंग कि मैं और आगे किस पे वीडियो बनाऊँ देन जस्ट गो है एंड डू डेट आई एल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स टिल देन बाय मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ